पिकोलो ने फाइनली दो नई फॉर्म्स अचीव कर ली हैं, जिससे वो गोकू को भी टक्कर दे सकता है। पिकोलो शुरुआत से गोकू का राइवल रहा है, उसने अपने आप को गोहान के लिए सेक्रीफाइस भी कर दिया था। पूरी सीरीज में उसके पास बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन रही हैं। पिकोलो शुरुआत में रैडिट्स के आसपास भी नहीं होता, लेकिन एक साल के बाद वो नापा से लड़ रहा होता है, जिसका पावर लेवल 4000 था, जिसके बाद वो नेमिक पर फ्रीजा से भी लड़ता है, जिसका पावर लेवल 1 मिलियन से भी ज़्यादा था, और उसे ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर भी कर देता है। बाद में वो उन एंड्रॉयड से लड़ता है जो कि सुपर सेन को भी टक्कर दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद। सब लोग पिकोलो की ऐसी पावर देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि ऐसी पावर सिर्फ एक लेजेंडरी सुपर सेन के पास हो सकती है। वो नेमिक पर फ्रीजा को भी हरा सकता था अगर वो कामी के साथ होता तो, लेकिन कामी के साथ फ्यूज होने के बाद पिकोलो इतना ताकतवर बन जाता है कि वो उन एंड्रॉयड से लड़ रहा होता है जिन्होंने सुपर सेंस को भी सेकंड्स में हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हैं, वो भी कोशिश ना करते हुए। फिर वो सेल गेम्स के लिए ट्रेनिंग करता है ताकि वो सेल से लड़ सके, जिसके पास सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स का DNA है, फ्रीजा को भी मिलाकर, और वो सेल जूनियर्स को भी अच्छी टक्कर देता है, पर वो असेंडेड सुपर सेन के आसपास भी नहीं होता कामी के साथ फ्यूज होने के बाद भी। और बू सगा के 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी पिकोलो सबसे बहुत पीछे होता है। 7 साल के बाद ही वो सेल गेम्स वाले गोकू को भी सरपास नहीं कर पाता। हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से गोकू को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था, और पिकोलो डर में सुप्रीम कैसे लड़ने के लिए मना कर देता है। पर इस पॉइंट पर पिकोलो शिन से भी ज़्यादा कमज़ोर है, शिन जिसकी पावर सेल सगा गोकू के आसपास है, और इसी वजह से वजीटा को यकीन था कि वो पिकोलो को भी आसानी से हरा देगा, वो भी बिना सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हुए, जिसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर में वो और ताकतवर बन जाता है। लेकिन गोकू की न्यू गॉड पावर्स के सामने वो कुछ नहीं होता। पर आखिरकार हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जब पिकोलो गोकू की गॉड पावर्स को भी टक्कर दे सकता है, तो चलो देखते हैं कि वो क्या है। पर उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। सो लेट्स गो। पिकोलो एक फाइटिंग जीनियस है, बल्कि वो तो गोकू से भी ज़्यादा जीनियस है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। तुम्हें पता है पिकोलो कितने साल का था जब वो गोकू से लड़ता है दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के टाइटल के लिए? और अगर तुम्हें पता ना हो तो गोकू इधर 19 साल का होता है। तुम्हें क्या लगता है पिकोलो कितने साल का होगा? वो बिल्कुल गोकू की एज का दिखता है, पर उसकी एज सिर्फ 3 साल है, सिर्फ 3 साल, वो भी गोहान से छोटा जब रैडिट्स उसको किडनैप कर लेता है। जब वो 7 साल का होता है तो वो रैडिट से लड़ता है, वो भी एक 23-year-old गोकू के साथ, और जब वो 9 साल का हो जाता है वो नापा से लड़ रहा होता है, जो कि एक मिड क्लास सेन वॉरियर था, जिसके बाद नेल के साथ फ्यूज होने के बाद उसका पावर लेवल 1 मिलियन हो जाता है, वो भी 10 साल की एज से पहले। वहीं गोकू जब 10 साल का था तो वो जंगलों में मछलियाँ पकड़ रहा था जब उसका पावर लेवल 10 था, और पिकोलो उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और एंड्रॉयड सागा में कामी से फ्यूज होने के बाद वो एंड्रॉयड 17 को भी अच्छी टक्कर देता है। पर फिर क्यों सेंस ने पिकोलो को पीछे छोड़ दिया कि वो अपनी बेस पावर्स में ही पिकोलो से ज़्यादा ताकतवर हो गए? शायद पिकोलो ने उतनी ट्रेनिंग नहीं करी जितनी गोकू ने करी उन 7 सालों में। ड्रैगन बॉल सुपर में वो टागोमा से भी हार जाता है, जिसकी वजह से वो और ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिसके रिजल्ट्स हमें यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट आर्क में दिखते हैं, उसी के अगले आर्क में। और उसमें गोकू जिसने सुपर सेन गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो सुपर सेन गॉड जो कि वजीटो से भी ज़्यादा ऊपर है, उसको लड़ना होता है फ्रॉस्ट से, जो कि यूनिवर्स 6 का फ्रीजा है। और जब फ्रॉस्ट अपनी फाइनल फॉर्म में जाता है तो गोकू भी सुपर सेन में चला जाता है, और वजीटा भी फ्रॉस्ट को हराने के लिए सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू फिर ये भी बोलता है कि पिकोलो के पास कोई चांस नहीं है फ्रॉस्ट को हराने का, पर पिकोलो अपनी स्पेशल बीम कैनन और टेक्निक्स की मदद से फ्रॉस्ट को भी हराने वाला होता है, बल्कि वो फ्रॉस्ट को हरा भी देता अगर फ्रॉस्ट चीट ना करता तो। वो वाडोस के बैरियर को भी तोड़ देता है, जो कि गोकू और फ्रॉस्ट पहले नहीं कर रहे थे। तो तुम देख सकते हो कि एक ही आर्क में वो इतना ताकतवर हो चुका है। बाद में वो गोहान को ट्रेन करता है तो वो आसानी से सुपर सेन 2 गोहान को भी हरा देता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि गोहान इधर बहुत कमज़ोर है,
तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये गोहान जेन एक्सिबिशन मैच के बाद है, जिसमें गोहान अपनी बेस फॉर्म में लड़ता है, वो भी बिना देखे। और वो यूनिवर्स 9 के लैवेंडर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, और यूनिवर्स 9 वही है जिसने माजिन बो को भी गुस्सा दिला दिया था। गोहान फिर उससे आसानी से बेस फॉर्म में लड़ रहा होता है, जिसके बाद लैवेंडर उसको अंधा कर देता है, पर अंधा होकर भी वो लैवेंडर को अच्छी टक्कर देता है। और यही गोहान सुपर सेन 2 में पिकोलो से लड़ रहा है। तो तुम समझ गए होगे कि पिकोलो के पास बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन उसके पास कोई गॉड ट्रेनिंग या कोई गॉड फॉर्म्स नहीं है जैसे गोकू और वेजिटा के पास हैं। उसके पास पोटेंशियल होगा, मगर गोहान के पास उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि गोहान वो कैरेक्टर है जिसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होना चाहिए फ्रीजा और ब्रॉली को छोड़कर। पर तब भी पिकोलो आसानी से गोहान के साथ लड़ पा रहा होता है, और वो साथ में अच्छे अच्छे कॉम्बोज भी करते हैं, जबकि गोहान उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अकेला कैफला को भी हरा देता है। तो इस सब के बाद टोरियामा को फाइनली लगा कि पिकोलो के पास भी एक नई फॉर्म होनी चाहिए। तो पिकोलो अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए डेंडे के पास जाता है, ताकि वो बिल्कुल गोहान और क्रिलिन की तरह अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सके। पर डेंडे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर शेनरॉन ये ज़रूर कर सकता है। तो डेंडे ड्रैगन के सॉफ्टवेयर से अपडेट करता है और पिकोलो अपना पोटेंशियल अनलॉक करवाता है, जिसके साथ शेनरॉन उसे एक बोनस भी देता है जो कि ऑरेंज फॉर्म होती है। उसकी सबसे पहली फॉर्म पोटेंशियल अनलॉक्ड है, जिसका जैपनीज में नाम पोटेंशियल कैपेसिटी लिबरेशन है, या हम इसको अल्टीमेट पिकोलो या मिस्टिक पिकोलो भी कह सकते हैं। इस फॉर्म की मदद से वो गामा 2 को भी अच्छी टक्कर देता है, वो गामा जिनको गोकू और वजीटा के लिए बनाया गया था, जिन पर डॉक्टर हेडो स्पाई भी कर रहा था मोरो और ब्रॉली मूवी से। टूर्नामेंट ऑफ पावर तो नहीं, लेकिन कम से कम रिजरेक्शन एफ तक वो ये सब देख रहे थे, और उन्हें पूरा यकीन था कि गामा उन्हें हैंडल कर लेंगे। उन्हें नहीं लगा था कि सेलमैक्स को जगाने की जरूरत पड़ेगी, और अगर उन्होंने गोजिटा ब्लू को देखा है तो उन्हें लगता है कि गामास गोजिटा को सुपर सेन ब्लू में भी हरा सकते हैं, जिसका मतलब अल्टीमेट पिकोलो या मिस्टिक पिकोलो कम से कम ब्लू गोकू या वजीटा के लेवल पर होगा। और ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि गोहान भी सुपर सेन ब्लू गोकू से लड़ता है, तो पिकोलो ब्लू लेवल या कम से कम गॉड लेवल पर होगा। फिर वो अपनी ऑरेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और एक पंच में ही गामा की हालत ख़राब कर देता है। और फाइनली टोरियामा के हिसाब से पिकोलो ने एक ऐसी पावर पाली है जिससे वो गोकू और वजीटा को भी टक्कर दे सकता है। अब ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के प्रीक्वल आर्क से हमें पता चल जाता है कि मोरो और ग्रैनुलर आर्क भी इसका पार्ट हैं। तो इसका मतलब ऑरेंज पिकोलो अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के लेवल पर पहुंच चुका है। पर क्या पिकोलो गोकू को हरा सकता है? पिकोलो के पास वजीटो या सेल या बहुत सारे कैरेक्टर्स की तरह बहुत सारी टेक्निक्स यूज करता है। उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे स्ट्रेची आर्म्स, रीजनरेशन, जायंट होना, पर उससे उसकी पावर नहीं बढ़ती। पर सबसे ज़्यादा बेस्ट एबिलिटी उसकी स्पेशल बीम कैनन है। तो पिकोलो के लिए स्पेशल बीम कैनन थोड़ी स्पेशल है। ये सेल और माजिन बू भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब वो ये इस्तेमाल करते थे तो वो इसको चार्ज नहीं करते थे। उन विलेंस को नहीं लगता था कि पिकोलो के पास जो होगा वो कुछ भी डैमेज कर सकता है। पर पिकोलो इसको थोड़ा अलग तरह से यूज़ करता है, जैसे उसने ये टेक्निक मास्टर कर लियो। तो जब उसका पावर लेवल 400 के आसपास होता है, तो वो स्पेशल बीम कैनन से उसको 400 से सीधा 1300 तक ले जाता है, जो कि उसकी बेस फॉर्म से 3 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब वो स्पेशल बीम कैनन से उनको हरा सकता है जो उससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद वो ये यूनिवर्स 6 आर्क में भी यूज़ करता है, जहाँ पिकोलो गोकू की बेस फॉर्म से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सबको लगता है कि पिकोलो 2 सेकंड्स में हार जाएगा। हमने देखा था कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में फाइनल फॉर्म फ्रीजा से लड़ रहा था, वहीं पिकोलो टागोमा से भी बुरी तरह हार जाता है। तो गोकू फ्रॉस्ट से लड़ते हुए सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जब पिकोलो आता है तो वो अपनी टेक्निक के दम पर फ्रॉस्ट को भी हराने वाला होता है। वो अपने बहुत सारे शेडो क्लोन्स बनाता है, जिसके बाद वो फ्रॉस्ट को पकड़ लेता है, और इससे फ्रॉस्ट उसी वक्त ख़त्म हो सकता था। तो इसके हिसाब से स्पेशल बीम कैनन से पिकोलो 50 गुना और ताकतवर हो गया, और टीओपी में पिकोलो सुपर सेन ब्लू लेवल गोहान के साथ लड़ रहा होता है, जिसमें वो स्पेशल बीम कैनन की मदद से अच्छी फाइट कर रहा होता है, जिसके बाद लाइट ग्रेनेड भी है और हेल जोन ग्रेनेड भी है। तुम स्पेशल बीम कैनन को
किसी पर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, बिल्कुल एक स्पिरिट बॉम्ब की तरह। तो अगर ऑरेंज पिकोलो गोकू के आसपास है तो अगर वो एक स्पेशल बीम कैनन चार्ज करेगा, क्या वो गोकू को हरा सकता है? तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में। और हाँ, ट्रू अल्ट्रा ईगो वाली वीडियो नहीं देखी तो तुम यहाँ देख सकते हो।